नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड 24 न्यूज़ में आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है, जहां बुधवार की शाम रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से अपहृत रजनीश गुप्ता पिता रामबाबू गुप्ता की निर्मम हत्या कर शव अमरपाटन थाना क्षेत्र के ककरा गांव स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास फेंक दिया गया था। परिजन पहले तो शव उठाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम करवाया और शव लेकर रायपुर करचुलियान पहुंचे, जहां तहसील के सामने सड़क में शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि मृतक का रायपुर करचुलियान निवासी युवकों के साथ पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था, उसी लेन देन को लेकर धमकी मिली थी। फिलहाल नादन देहात पुलिस जहां एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, वहीं सामान पुलिस रीवा से एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आप कितने दिन आप रखोगे बताओ। तो मुझे तो नहीं होना है।